वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल की मदद से हम किसी भी निर्माणाधीन बिल्डिंग की हाइट या किसी नदी की चौड़ाई या किसी पेड़ की ऊंचाई, किसी टीले की ऊंचाई फाइंड करते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी, या कोई एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये हम फाइंड करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल वन, पेज 198, NCERT एग्जाम्पल वन, पेज 198। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टावर मीन्स ये टावर है, वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड करता है। From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, टावर का फुट ये है। टावर के फुट से कोई पॉइंट है जो कि फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Angle of elevation means यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को देख रहा है तो यह जो एंगल बनता है, यह एंगल देखता है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। लेट ए बी इज द टावर। लेट ए बी इज द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज 8 सपोज कर लेते हैं। फिर दो साइड्स में रिलेशन मिल रहा है, परपेंडिकुलर और बेस और उसका एंगल। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन 10 में होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC 10 थीटा मीन्स 10 60 डिग्री इक्वल टू AB/BC। टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 इक्वल टू AB मीन्स H/BC 15। देयरफॉर H इज इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, पेज 198 NCERT से। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इलेक्ट्रीशियन को किसी पोल की फॉल्ट रिपेयर करने हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Pole के टॉप से, पोल का टॉप ये है और वहाँ से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. अब ये सीढ़ी लगा देगा, यहाँ से इलेक्ट्रिशियन इस पर चढ़ कर के जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ खड़ा होकर के रिपेयर करना है उसे। और इस तरीके से ये वायर है, इसे रिपेयर करना है यहाँ पे खड़ा होकर के। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। लैडर हमेशा तिरछी लगेगी, तो लैडर का लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द लैडर, लेट द
लेंथ ऑफ द लैडर इक्वल टू एल, एल सपोज कर लिया और अभी हो गया ग्राउंड, ग्राउंड पे लैडर लग गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 degrees टू द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से 60 degrees पे लैडर इनक्लाइंड है। वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, मीन्स एक पोल है उसे रिपेयर करना है आपसे, उसके बेस से कुछ दूरी पर एक लैडर लगाना है जो कि पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे टिक जाए और लैडर हॉरिजॉन्टल से 60 degrees का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ लैडर। अब यहाँ से पोल है, लेट द पोल इज ए बी एंड बी से सी पॉइंट पर लैडर का फुट है, इस डिस्टेंस को भी मेजर करने को कह रहा है एक्स। लेट द बी सी इक्वल टू एक्स मीटर सपोज कर लिया गया। टोटल पोल की हाइट 5 meters थी। अब देखिए ए बी सी यह पॉइंट डी है, सपोज दैट लैडर डी पॉइंट तक रीच कर रहा है, तो डी बी फ्रॉम फिगर डी बी इक्वल टू डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए डी इक्वल टू 5.0 लेंथ से पोल की, 1.3 मीटर नीचे ही उसे खड़ा होना है, माइनस 1.3 कितना हो गया 10 में से 3 घटा 7, 4 में से 1 घटा 3, 3.7 मीटर यह लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.7, और ये टोटल लेंथ था पोल का 5 meters, यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर डी बी की लेंथ। अब राइट ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। इन राइट ट्रायंगल डी बी सी, इन राइट ट्रायंगल डी बी सी क्या क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। एल बी नहीं गिवन है, तो टेन 60 degrees इक्वल टू डी बी 3.7 अपॉन बेस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, टेन 60 की वैल्यू आ गई, जानते हैं हम अंडर रूट 3 इक्वल टू 3.7 बाई एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3.7 अपॉन अंडर रूट 3। अब 3.7 इसी को हम कह सकते हैं 3.7 अपॉन 1.732, डिवाइड करने पे लगभग 2.14 मीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब लैडर की लेंथ फाइंड करने हैं हमें, तो इन राइट ट्रायंगल डी बी सी यहाँ पर लिखते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस साइन से आ जाइए, साइन 60 degrees इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूस एल, 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन एल, देयरफॉर एल इक्वल टू 2 × 3.7 अपॉन अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख देंगे, 2 × 3.7 अपॉन अंडर रूट 3, ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 4.28 meters, ये इसका आंसर हो गया लैडर के लेंथ और ये लेंथ।
आप इसे कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल। ऑब्जर्वर यूँ खड़ा होगा, तो एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का हाइट दे दिया है इसमें 1.5 मीटर टाल। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम एच ई, मैंने कितना डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर अवे। और यहाँ पर एक चिमनी है, इस चिमनी को ऑब्जर्वर देख रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर को देखेगा ऑब्जर्वर चिमनी के टॉप को, ये चिमनी का टॉप हो गया, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल है एक्चुअली उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है, इज 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी ये है, तो चिमनी की हाइट आपको फाइंड करनी है, तो लेट द हाइट ऑफ द चिमनी इज एच, चिमनी तो यहाँ से ज़मीन से है पूरा, तो ट्रायंगल तैयार हो गया ए बी सी डी और ये ई, ये भी लिख देंगे हम। एक्चुअली यहाँ राइट ट्रायंगल हम ए बी सी कंसीडर करेंगे, यह हाइट आ जाएगी, जब यह हाइट आ जाएगी तो उसमें इस ऑब्जर्वर की हाइट जब ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल चिमनी ये से ई तक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की लेंथ दे दिया गया है, इसलिए यहाँ से हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं। यदि ऑब्जर्वर का लेंथ नहीं दिया गया होता तो डी पॉइंट पे ऑब्जर्वर की आई होती और यहाँ से उसकी एंगल को मेजर किया जाता, लिखा जाता। तो इन राइट ट्रायंगल पर लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द चिमनी एच इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। यह अभी 28.5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, तो tan θ tan C इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, टेन 45, ए बी की लेंथ ए बी यूँ ही रखे हम, ए बी अपॉन बी सी 28.5, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू ए बी अपॉन 28.5, तो ए बी इक्वल टू 28.5 मीटर। लेकिन चिमनी टोटल ए से ई तक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू ए बी प्लस बी ई ए बी की लेंथ आई है 28.5 प्लस बी ई, बी ई है ऑब्जर्वर की हाइट के बराबर 1.5 प्लस लिख लीजिए बी ई की जब बजाय सी डी, सिंस बी ई इक्वल टू सी डी मैंशन कर देते हैं रीजन, तो 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर आंसर। कोई डाउट किसी को,
हाइट एंड डिस्टेंस में हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और जब ऑब्जर्वर का लेंथ नहीं दिया गया होगा तब वह फिगर यहाँ पे आता, यहाँ से 45 बनता, लेकिन जब ऑब्जर्वर का लेंथ गिवन है तो ऑब्जर्वर के लेंथ से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ तक हाइट आया पहले चिमनी का, और उसमें हम ऑब्जर्वर का लेंथ भी ऐड कर देंगे। नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल 4। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, नाम है उसका पी, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, टेन मीटर इसकी हाइट है बिल्डिंग की, और इस बिल्डिंग को ऑब्जर्वर देख रहा है पी पॉइंट से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है, एंगल 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, इस पर एक फ्लैग लगाना है, फ्लैग टॉप पे लगाना है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज टॉप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से फ्लैग को जब देखता है ऑब्जर्वर तो एंगल बन जाता है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। फ्लैग स्टाफ का लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सपोज कीजिए कि यह एक्स है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, बिल्डिंग पी क्यू आर एस सपोज दैट, ये ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, एक ट्रायंगल एस क्यू पी और दूसरा ट्रायंगल आर क्यू पी। दो ट्रायंगल में हमें कंसीडर करना होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, तो इन ट्रायंगल एस क्यू पी इसमें क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में हम कंसीडर करेंगे, फिर बिगर ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एस क्यू पी। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एस क्यू पी के लिए एंगल 30 डिग्री है, टैन 30 डिग्री इक्वल टू एस क्यू अपॉन पी क्यू, 1/√3 इक्वल टू 10/PQ, पी क्यू की वैल्यू एक्स सपोज किया गया, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 10√3, इक्वेशन 1 सपोज दैट इज ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल आर क्यू पी, इन ट्रायंगल आर क्यू पी इसके लिए 10 कितना एंगल बन रहा है, यहाँ तक 45 डिग्री, 10 45 इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, R से लेकर के Q तक लेंथ हो गया, आर क्यू अपान पी क्यू, 1 इक्वल टू आर क्यू, आर क्यू टोटल है एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 अपान पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू एक्स जो है फाइंड हो चुका है, यहाँ से आप ले लेंगे बाद में पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब फ्रॉम 1 यूज कर दीजिए 1 को, पी क्यू की वैल्यू 10√3 है, तो 10√3 इक्वल टू एक्स प्लस 10,
एक्स प्लस टेन। देयरफोर एक्स इज इक्वल टू टेन ट्रांसपोज होकर के टेन अंडर रूट थ्री माइनस टेन, टेन कॉमन अंडर रूट थ्री माइनस वन, टेन इंटू 1.732 माइनस वन यानी कि 10 इंटू 0.732 तो 7.32 मीटर। x की वैल्यू x मीन्स फ्लैग 7.32 मीटर फ्लैग की हाइट हो गई।